तो मैं कहता हूं कि ना देंगे बुलेट ना देंगे थार, हम देंगे वर्दी के साथ डबल स्टार। क्या बात है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेरे पास 11 रुपए लेके आई, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको दरोगा बनाऊंगा, क्योंकि 2400 दरोगा की बहाली आ रही है। सबसे पहले तो यूट्यूबर टीचर से बचिए, और एनसीईआरटी एससीईआरटी जो मैं पढ़ाता हूँ उसको उसको ध्यान से उसको देखिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी गुरु रहमान सर के पास हूँ, और गुरु रहमान सर के पास इसलिए हूँ कि एक उत्तर भारत का एक रिकॉर्ड बना है, 3 ट्रांसजेंडर गुरु रहमान सर के यहाँ से पास की है, जो उत्तर भारत का रिकॉर्ड है वो पहली बार दुर्गा बनी है। सर का एक डायलॉग बहुत फेमस है, उस डायलॉग से हम शुरुआत करेंगे इनसे वार्तालाप। सर कौन सा डायलॉग फेमस है? बहुत सारे लोग कोचिंग में कई सारे प्रलोभन देते हैं, लेकिन आप कैसा प्रलोभन देते हैं? वो टीचर्स जो कभी ज़िंदगी में खुद परीक्षा पास नहीं किए कोई भी, वो तरह तरह की बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ना देंगे बुलेट ना देंगे थार, हम देंगे वर्दी के साथ डबल स्टार। क्या बात है, क्या बात है। सर सबसे पहले सबसे बहुत बड़ी बड़ी बधाई आपको, और आपने एक इतिहास बनाया है आज, एक मुकाम ऐसा इतिहास बनाया है कि जो परंपरागत जो बधाई लेने का जो काम करती थी ट्रांसजेंडर, उनको आपने एक दरोगा बनाया, उनको एक सपना दिखाया, और उस ऐसे मधु से जब हम बात की तो उनको कोई कोचिंग में लेना नहीं चाह रही थी। कैसे आपने ये कैसे इच्छा जाहिर की नहीं इसको हम पढ़ाएंगे, मेरे इसको कोचिंग का माहौल नहीं खराब होगा? देखिए, चूँकि कोचिंग वाले लोग कोरोना के बाद बहुत सारे कोचिंग ऐसे खुले हैं कि जो खुद बदतमीज है, और तो जाहिर सी बात है कि इनके बारे में लोग कलुषित मानसिकता और समाज वाले लोग हैं, वो सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर गलत होते हैं, ये होते हैं। तो हमारे पास 3-4 लोग आया था शुरू में, चार लोग आया तो मधु भी थी, अनुप्रिया थी तो, और वर्षा थी, और एक दिव्या ओझा थी। तो वो लोग आई तो मैं कन्फ्यूज कर गया था कि ये लड़का है कि लड़की है। तो मधु ने बोला कि सर कुछ पर्सनल बात करना है। तो जाहिर सी बात है कोई लड़की बोलेगी भीड़ में, तो हम बोले यही बोलो क्या बात करना है, तो नहीं पर्सनल बात करना है। तो हम गए वहाँ, तो गए तो वो बोली कि सर मैं फलाना कोचिंग में गई थी, कोचिंग का मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो कोचिंग में गए थी तो उन लोगों ने कहा कि नहीं माहौल ख़राब हो जाएगा। तो क्यों माहौल ख़राब हो जाएगा भाई? तो बोली कि सर हम लोग ट्रांसवुमेन हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, ऐसी बात है तो आप लोग पढ़िए, और आप पढ़िए। तो उसको उन लोगों मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो उसमें से एक जो वीरा जादव थी, वीरा जादव का सिलेक्शन हो गया आपको टाटा में सिलेक्शन हो गया। और इस बार ट्रांसजेंडर थी, हाँ ट्रांसजेंडर थी। और एक आपको सुप्रिया थी जो इसका एक्साइज में हो गया, एक्साइज सिपाही में, एक्साइज सिपाही में हो गया। तो फिर मधु कभी हुआ था एक्साइज सिपाही में, लेकिन चूँकि सर्जिकल कुछ कराई थी, सर्जरी कराई थी, इस कारण बस कमज़ोर थी तो दौड़ नहीं पाई। तो रो रही थी, तुम कहा कि देख बेटी रो मत, तू सिपाही इसलिए नहीं बनी है क्योंकि तुमको दरोगा बनना है। तो और जोर रोने लगी, तो मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम पढ़ो, अब तुम देखो। और उसी वक्त मैंने मधु बेटी एसआई लिख दिया अपने मोबाइल पर, तो अपने मोबाइल पर मधु बेटी एसआई लिख दिया। और उसके बाद पढ़ना शुरू की तो सारा किताब कॉपी कलम जितनी आवश्यकता होती है उन लोगों की, वो सारी की चीज़ें मैं उपलब्ध कराता रहा, और वो मधु पढ़ती रही। अब पढ़ने क्रम में उसका रिजल्ट हुआ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर अब आपका क्या, जैसे इससे तो आपका हौसला बढ़ गया होगा कि तीन ट्रांसजेंडर आपके यहाँ से दरोगा। टोटल कितने सिलेक्शन हुए? 739 के लगभग रिजल्ट है मेरा, 1275 या कुछ 1275 सीट है। लेकिन मैं एक दावा कर रहा हूँ कि कोई भी दरोगा ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन या ऑनलाइन हमसे जुड़ा नहीं हो, क्योंकि टोटल की बात, क्योंकि एक टोटका है कि जैसे कहा जाता है कि बजरंगबली पास जाओ तो संकट दूर होगा, तो उसी तरह एक टोटका कि गुरु रहमान के पास जाओ तो दरोगा बन जाओगे। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन या किसी रूप में वर्दी की फैक्ट्री तो नहीं कहेंगे, फैक्ट्री में निर्जीव चीज़ बनता है, लेकिन मैं दरोगा लोग का पेटेंट मेरे पास है, सिपाही दरोगा का पेटेंट है, जो कि निश्चित रूप से उसकी कला मुझे पता है कि कैसे इनको बनाना है। ट्रांसजेंडर, तीन ट्रांसजेंडर आपके हैं, तो अब क्या आपकी आपके तो हौसला बढ़ गए होंगे। अब मेरा एक ही उद्देश्य है कि कम से कम मैं 400-500 ट्रांसजेंडर को दारोगा बनाऊं, और हर थाना में उनकी की स्थापना हो, क्योंकि ट्रांसजेंडर के जुड़ने के बाद, इतना गहराई के साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत अंदर से ईमानदार होती है, अगर उनके साथ थोड़ा सा भी प्यार दिखाएगा तो वो जान दे सकती हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम
उनके मुकाम पर पहुँचाएँ जिस मुकाम पर वो पहुँचना चाहती हैं, और उसके लिए मैं कुछ किसी स्तर तक गुजर सकता हूँ और मैं करूँगा। आप करेंगे। अच्छा, अभी तक आपके पास तो बधाई वगैरह आने लगे, किन किन बधाई आए? पुलिस मुख्यालय से बधाई आया था, और ये भी, और सीएम के यहाँ से उनके पीएस से, उन्होंने बधाई कहा कि माननीय मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे, मोबाइल ऑन रखिएगा, तो उन्हें इंतजार कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बात करेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत बधाई की बात है, जो लोग सफल हुआ। चलिए, अब उनको क्या कहेंगे जिनके घर में ट्रांसजेंडर बच्चे पैदे होते हैं और आपने दरोगा बनाया, तो उनको, उनके पेरेंट्स को, उनके परिवार को क्या कहेंगे कि आप अगर आप नहीं पढ़ा पाते हैं तो आप मुफ्त शिक्षा, आप तो अपने अभियान भी चलाएंगे गरीब और दिव्यांग बच्चों को मुफ्त शिक्षा की, तो उनको भी आप शामिल करेंगे? ये गरीब अनाथ असहाय दिव्यांग को तो मैं पढ़ाता ही हूँ फ्री में, लेकिन अब मेरा एक अभियान ये होगा कि जिनके यहाँ भी अगर इस तरह के बच्चे हैं, बच्चे या बच्चियाँ हैं, तो उनको मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि अगर आप लोग को ये नहीं पच रहा है तो मेरे पास भेजिए, मैं इनको पढ़ाऊँगा और इनको, इनको वास्तविक मुकाम को मैं पहुँचाऊँगा। मैं इतिहास का छात्र हूँ भाई, मैंने मलिक सरोवर के बारे में पढ़ा है, पढ़ाया भी है, मैंने जावेद खान के बारे में पढ़ाया भी है, मैंने मलिक काफूर के बारे में पढ़ाया भी है और पढ़ाया भी है। तो एक बात बता दूँ कि, और शिखंडी के बारे में भी जानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ट्रांसजेंडर को थोड़ा सा भी अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारा पूरा विश्वास है। अच्छा, जो विद्यार्थी सफल नहीं हुए हैं उन विद्यार्थियों को क्या कहेंगे और सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले तो यूट्यूबर टीचर से बचिए, और एनसीईआरटी एससीईआरटी जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से उसको देखिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मेरे पास 1100 रुपये पहले क्या ही, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको दरोगा बनाऊंगा, क्योंकि 2400 दरोगा की बहाली आ रही है। फिर 2400 की बहाली आ रही है? आ रही है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 1-10 दिन के अंदर में बहाली आ जाएगी, वो 1 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी बहाली। लास्ट में मैसेज एक दे दीजिए। बस यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति, चाहे दिव्यांग हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, वो बिल्कुल अपने कारण नहीं होता है, और उनको अगर कम करके कोई आंकता है तो बहुत बड़ी भूल करता है, क्योंकि उनमें वो असीम क्षमता छुपी होती है जो किसी भी स्तर तक गुजरने की क्षमता वह रखते हैं। तो मैं तमाम उन लोगों से बोलूँगा कि आप लोग कभी भी दिग्भ्रमित मत होइए, घबराइए मत, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका बड़ा भाई, आपका मानसिक पिता आपके सामने है, जब मन करे, जैसे मन करे आप आइए और पढ़िए, मैं फ्री में आपको पढ़ाऊँगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। और जो गरीब हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको ना केवल फ्री में पढ़ाऊँगा, अभी तो उनको सारा का सारा मटेरियल्स, किताब, कॉपी, कलम भी मैं दूंगा, और हर मोड़ पर उनके साथ रहूंगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये अवधारणा के साथ। चलिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर थे, और इनको बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने ट्रांसजेंडर, 3 ट्रांसजेंडर को इन्होंने एक दरोगा बनाया, और सबसे ज़्यादा जो पूरे बिहार में जो दरोगा का रिजल्ट है वो लगभग 60% विद्यार्थी जो है इन्हीं के यहाँ से पास किए हैं। और इन्होंने ये भी तरीका बताया कि आप कैसे दरोगा बनेंगे, बहुत जल्द दरोगा का वैकेंसी फिर आ रही है, अगर जो गरीब छात्र हैं, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो पैसे से अक्षम है कोचिंग में पैसा देने से, तो आप इनके यहाँ आइए और 1100 रुपये दे करके आप इनके यहाँ कोचिंग में पढ़ सकते हैं और दरोगा बन सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।